निकालना है। तो ए जी बी आर का सॉलिबिलिटी हमने मान लिया S1 और ए जी सी एन का S2, तो फाइनली ये हम लिख दिए कि एस पी दिस बाय दिस निकालिए S1 बाय S2, तो यहाँ वैल्यू आ गया इक्वल टू 2, क्योंकि ये रेशियो पुट करने पे इसका वैल्यू 10^-12, और ये दिस ऊपर जाएगा तो ये जाएगा आपका 10/5 मतलब 2। तो यहां से हमारे पास आ गया बच्चों कि S1 is equal to 2S2, ठीक है, S1 is equal to 2S2, ठीक, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली अगर हमको निकालना है, यहां से निकालना है, इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है अगर ए जी बी आर का, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया बच्चों, ये जो केएसपी ऑफ ए जी बी आर लिए वो तो ये है, उल्टा रख दिया यार यहाँ पे, ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ बदलना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, पूरा ही चेंज कर देता हूँ, गड़बड़ मैंने लिख दिया था एक्चुअली, ऊपर में आ जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसका है, AgCN का, और ये वैल्यू किसका है, AgPr का, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, एक मिनट, ये गड़बड़ रिलेशन आ गया था, केएसपी ऑफ एजी बीआर डिवाइड बाय केएसपी ऑफ एजीसीएन इज इक्वल टू, अब AgBr का आपने कितना लिया है S1, इसका S2, तो यहां पे लिख देंगे पहले S1 बाय S2। अब AgBr का जो केएसपी है वो है 5 × 10^-13, 5 × 10^-13 और डिवाइड बाय 10^-12, ये दे रखा है इधर, ठीक है, तो ये गड़बड़ मैंने कर दिया था एक्चुअली। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा S1 बाय S2 इज इक्वल टू 5/10, मतलब इज इक्वल टू 1/2, मतलब ट्वाइस ऑफ S1 इज इक्वल टू S2, ये रिलेशन यूज करेंगे। अब देखो कि एसपी ऑफ AgBr इज इक्वल टू केएसपी ऑफ AgBr इज इक्वल टू S1 + S2 × S1, ये करना पड़ेगा, S1 + S2 × क्या आपका S1। अब देखो S2 के पोजीशन में पुट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ S1 S1 + 2S1 S1, थ्राइस ऑफ S1 × S1, 3S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP ऑफ AgBr। अब जो AgBr का KSP है वो कितना है बच्चों, 1.8, नहीं, 5 × 10^-13, यहां से S1 निकल जाएगा, सॉल्युबिलिटी निकल गया किसका, AgBr का। दूसरा है KSP ऑफ, अगर आप पुट कर देंगे AgCN, ठीक है, AgCN का KSP अगर आप पुट कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा S1 + S2 × क्या आपका S2। अब यहां पे बच्चों आपको पुट करना है इसका वैल्यू, जो कि 10^-12 के बराबर है, और S1 का वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ S1 इक्वल टू S2, तो S1 क्या आ जाएगा बच्चों, S2/2, यहां रख देंगे S2/2 + S2 और S2 इज इक्वल टू 10^-12, ये हो गया बच्चों 2S2 मतलब 3S2/2 × S2 इज इक्वल टू 10^-12, यहां से बच्चों 3S2 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 10^-12, इसको सॉल्व कर लेंगे S2 निकल जाएगा। तो बच्चों जितने भी टॉपिक थे आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ नहीं बचा, ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना, और बच्चों बाद में आपको कभी रिवाइज करना हो तो सर ने जहां पे मतलब अपलोड किया है वहां से आप देख लेना, जो भी वीडियो जो भी टॉपिक में दिक्कत होगा, बट आयनिक से मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, और वो भी क्वेश्चन इजी इजी आएगा, ठीक है, और मतलब अगर आप पहले से इसको पढ़ के रखेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और इंडिकेटर थ्योरी है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है, बट फिर भी मैं उसका जो फॉर्मूला है आपको वो बता देता हूँ, इंडिकेटर थ्योरी में पीएच निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, वो बात भी आपको थोड़ा ध्यान बस रखना है कि इंडिकेटर थ्योरी में क्या होता है। इंडिकेटर थ्योरी में एक्चुअली होता क्या बच्चों कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, तो हमने बताया था ना
कि आप आपको इंडिकेटर इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट मिला या नहीं मिला। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है वो किस तरीके से करता है, वो इंडिकेट आपको करता है अपना कलर को चेंज करके, ठीक है, कलर को चेंज करता है और इंडिकेट करता है कि एंड पॉइंट मिल गया। तो आखिर कलर चेंज होता क्यों है, ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कंडीशन है, सबसे मोस्ट एग्जांपल इंडिकेटर है एचपीएच, ठीक है, एचपीएच है। और एक बात और याद रखिएगा कि इंडिकेटर आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस, ठीक है, दे आर ऑक्सिलरी सब्सटेंस विच गिव आइडिया अबाउट कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, दैट इज टाइट्रेशन, ठीक है, बाई चेंजिंग देयर कलर। समझ रहे बच्चों? तो कंडीशन है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिडिक मीडिया में कुछ और कलर होता है और बेसिक मीडिया में कुछ और कलर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कंडीशन है बच्चों की, जो एचपीएच हम यूज करते हैं, ये एक इंडिकेटर है। अब ये ब्रेक होता कैसा, एच प्लस में और पीएच माइनस में। तो कंडीशन हमने आपको सीधा सीधा बताया, कोई भी इंडिकेटर वो या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। अगर ये वीक एसिड है तो एच प्लस और पीएच माइनस जनरेट कर रहा है, अगर ये वीक बेस होता तो ओएच माइनस के साथ एक आपको कैटायन जनरेट करके देता, ठीक है, कुछ ना कुछ जनरेट तो जरूर होता, मतलब आयन। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अनडिसोसिएटेड फॉर्म, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। कंडीशन यह है कि एक इंडिकेटर में आयोनाइज्ड फॉर्म भी होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म भी होता है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी होता है। अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो इसका कलर दिखेगा, अगर आयोनाइज्ड फॉर्म दिखेगा इसका कलर दिखेगा। अब जैसे बच्चों अगर एसिडिक मीडियम है, मान लो क्योंकि ये तो एसिड है, और अगर आपने लिया है एसिड, मतलब पीएच लेस देन 7 है और एक बहुत ज्यादा वीक एसिड है, तो जितना ज्यादा एच प्लस होगा रिएक्शन गोज इन के आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उस टाइम पे मैक्सिमम एग्जिस्टेंस होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका एचपीएच, तो जो एचपीएच का कलर होगा वही रहेगा। लेकिन जैसे पीएच बदलेगा और वो पीएच 7 से ज्यादा हो गया या बेसिक मीडियम हो गया, तो बेस जैसे वहां पे एग्जिस्टेंस में आएगा वो इस एच प्लस को होल्ड करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कराता जाएगा, और जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो एचपीएच पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होगा और फाइनल एग्जिस्टेंस में कौन आ जाएगा बच्चों, पीएच माइनस आ जाएगा, और फिर उस टाइम पे आयोनाइज फॉर्म के वजह से कलर आपको दिखेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बेसिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका बेसिक फॉर्म हो गया, आयोनाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया बच्चों, एसिडिक फॉर्म, अनआयोनाइज फॉर्म, ठीक है।